टाटा टियागो एनआरजी का मैनुअल वेरिएंट आपको 6.57 लाख एक्स शोरूम प्राइस में मिलता है, जबकि टाटा पंच का टॉप मॉडल 9 लाख तक जाएगा, जिसको टियागो एनआरजी के साथ कंपेयर करना लॉजिकल नहीं है। एंड टाटा पंच का टॉप मॉडल जिस प्राइस में आ रहा है उस प्राइस में वो हम रिकमेंड भी नहीं करेंगे, बट टियागो एनआरजी के ऑलमोस्ट सेम प्राइस में आपको टाटा पंच का एडवेंचर वेरियंट विथ रिधम पैक भी मिल जाएगा। एंड दोनों कार्स लाइट ऑफ रोड एंड खराब रास्तों पर चलाने के लिए बनी है, तो आपको टियागो एनआरजी लेनी चाहिए या फिर पंच एडवेंचर वेरियंट, आपका ये कंफ्यूजन हम इस वीडियो में दूर कर देंगे। पहले बात करते हैं डायमेंशंस की। टाटा पंच की लेंथ 3827 मिलीमीटर है, जबकि टाटा टियागो एनआरजी की लेंथ 3802 मिलीमीटर है। टाटा पंच की विड्थ 1742 मिलीमीटर है, जबकि टाटा टियागो एनआरजी की विड्थ 1677 मिलीमीटर है। टाटा पंच की हाइट 1615 मिलीमीटर है, जबकि टियागो एनआरजी की हाइट 1537 मिलीमीटर है। टाटा पंच में आपको 187 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जबकि टियागो एनआरजी में आपको 181 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। एंड टाटा पंच में आपको 366 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जबकि टियागो एनआरजी में आपको ओनली 242 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। सो ओवरऑल सब डायमेंशन में टाटा पंच टियागो एनआरजी से बड़ी है, जिससे आपको अच्छा केबिन स्पेस एंड लेग स्पेस मिलेगा। अब बात करते हैं इंजन की। दोनों में आपको सेम 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 84 bhp का पावर एंड 113 nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। सो परफॉर्मेंस वाइज दोनों कार्स में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, बट अगर बात करें फ्यूल एफिशिएंसी की, तो टाटा पंच के ARAI सर्टिफाइड फ्यूल एफिशिएंसी 18.97 किलोमीटर पर लीटर है, जबकि टाटा टियागो एनआरजी की फ्यूल एफिशिएंसी 20.09 किलोमीटर पर लीटर है। मींस टियागो एनआरजी में आपको थोड़ी बेटर फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी। अब बात करते हैं एक्सटीरियर की। दोनों कार एक्सटीरियर में अच्छी ही दिखती है, बट आई थिंक ज्यादातर लोगों को टाटा पंच का एक्सटीरियर लुक ज्यादा बेटर लगेगा, बिकॉज उसमें आपको हैरियर से इंस्पायर्ड डिजाइन मिलती है। बट अगर बात करें एक्सटीरियर फीचर्स की, तो दोनों में आपको कई सारे कॉमन फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि दोनों में आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM, हेलोजन हेडलैम्प्स, हेलोजन टेल लैम्प्स एंड 15 इंच व्हील्स विद व्हील कवर्स मिल जाते हैं। बट टियागो एनआरजी में आपको कुछ ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो आपको टाटा पंच में नहीं मिलते, जैसे कि रियर वाइपर, रियर डिफोगर एंड फ्रंट फॉग लैंप्स। अब बात करते हैं इंटीरियर की। तो दोनों कार्स में इंटीरियर में कई सारे फीचर्स कॉमन हैं, जैसे कि दोनों में आपको 7 इंच के इंफोटेनमेंट स्क्रीन विद हार्मन स्पीकर्स, मैनुअल AC, रियर पार्किंग कैमरा एंड स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिल जाते हैं। बट टियागो एनआरजी में आपको कुछ ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो आपको पंच एडवेंचर वेरिएंट विथ रिदम पैक में नहीं मिलते, जैसे कि कूल्ड ग्लो बॉक्स, इंजन स्टार्ट स्टॉप पुश बटन एंड हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट। अब बात करते हैं सेफ्टी की। टाटा पंच इंडिया की अब तक की सबसे सेफेस्ट कार है, जिसने ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में 5 out of 5 स्टार एंड सबसे हाईएस्ट स्कोर अचीव किया है, जबकि टाटा टियागो भी वन ऑफ द सेफेस्ट कार है, जिसने 4 out of 5 स्टार अचीव किया था। बट हाँ, सेफ्टी वाइज टाटा पंच एक कदम आगे है, एंड दोनों में आपको ड्यूअल एयरबैग्स, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स, ABS, EBD एक्सेट्रा जैसे फीचर्स कॉमन मिलते हैं, बट टाटा पंच में आपको ब्रेक स्वे कंट्रोल जैसा फीचर्स भी मिल जाता है। अब आते हैं कंक्लूजन पे, आपको दोनों में से कौन सी कार लेनी चाहिए। हमारे हिसाब से दोनों कार्स की प्राइस ऑलमोस्ट सेम है, बट टाटा पंच एडवेंचर वेरिएंट विथ रिदम पे टाटा टियागो एनआरजी के कंपेयर में ज्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करता है। सो हमारा रिकमेंडेशन दोनों कार्स में से टाटा पंच रहेगा, क्योंकि वो डिजाइन में, साइज में एंड सेफ्टी में टियागो एनआरजी से बेटर है। एंड थोड़े बहुत फीचर्स ऐसे हैं जो आपको टियागो एनआरजी में ज्यादा मिलते हैं, बट वो कोई नेसेसरी फीचर्स नहीं है जिसके लिए आपको अफसोस हो बाद में। सो हमारे हिसाब से दोनों में से टाटा पंच एडवेंचर वेरिएंट विथ रिदम पे बेस्ट है। बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उस बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा। थैंक यू।